मी 11X डिवाइस के लिए बेस्ट एसेसरीज का कलेक्शन आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके स्मार्टफोन के लिए कौन सा टेम्पर ग्लास बेटर होगा, कौन सा बैक कवर बेटर होगा और अगर आपको इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, बाय करना चाहते हो तो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन एसेसरीज के साथ साथ आपको कुछ गिफ्ट भी देखने को मिलेगा आपके मी 11X डिवाइस के लिए अगर आप इन प्रोडक्ट को आप बाय करते हो तो। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना होगा और मेरा जो कूपन कोड है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसे यूज करना होगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते और कूपन कोड यूज करते हो तो मे बी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। रही बात गिफ्ट कार्ड क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इन प्रोडक्ट के साथ, तो फर्स्ट आपको एक ईयरफोन देखने को मिलेगा। आई नो डेट कि ये हमारा हेडफोन को सपोर्ट नहीं करता है, तो एक नॉर्मल सा गिफ्ट के रूप में आपको ईयरफोन देखने को मिलेगा जो कि आप बाकी सारे डिवाइसेज में यूज कर पाओगे। और इसका जो आउटपुट आपको देखने को मिलता है ना, वो ओवरऑल एवरेज टाइप का नॉर्मल सा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा आप उम्मीद मत कर लेना। बट एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे हेडफोन यहाँ पे साथ में देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने बाकी सारे डिवाइसेज के अंदर यूज कर सकते हो। और मैंने कुछ दिन से इसे यूज भी किया है तो नॉर्मल सा आपको यहाँ पे एक हेडफोन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी सही है, जो कि आप चाहो तो बेनिफिट ले सकते हो। सेकेंड, अगर आप चाहते हो बैक लेमिनेट करना तो यहाँ पे एक लेमिनेशन भी आपको गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा कलरफुल, जो कि अपने मी 11X के ऊपर अप्लाई कर सकते हो या फिर बाकी डिवाइस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड, ये आपको देखने को मिलेगा एक यहाँ पे रैपर समझ लो, थैली समझ लो, बैग समझ लो, जो भी आप कहना चाहते हो समझ लो, ये आपको हेल्प करेगा भाई। बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में आप बाहर जा रहे हो, कहीं बारिश आ गई, आपके पास कुछ नहीं है और ऐसे में आपका फ़ोन अगर भींग जाता है तो ख़राब हो जाएगा, और उसे ये प्रोटेक्ट करने के लिए आपको गिफ्ट के रूप में बैग दिया जाएगा जिसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन को इसके अंदर डाल के बचा सकते हो, यानी अपने फ़ोन की ज़िंदगी को सेव कर सकते हो। और यहाँ पे कई सारे लेयर्स वगैरह है जिसकी वजह से आप इसके अंदर जो कुछ भी डालोगे उसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आपको लेयर देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा खासा है। तो बस इसमें आपको फ़ोन को इन करना है और जहाँ पे जाओ आप पानी के मज़े लो, लेकिन फ़ोन को मज़े लेने से बचा सकते हो, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ा मज़ा मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा आपको प्रोडक्ट मिलेगा इन्हीं एसेसरीज के बाई करने के बाद और कूपन कोड को यूज करने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है, कैसे अप्लाई करना है, गिफ्ट कार्ड वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, अब वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं एक मैट फिनिशिंग वाला टेम्पर ग्लास ऑलरेडी अप्लाई कर रखा हूँ जो कि यहाँ पे सामने है। तो सेम टेम्पर ग्लास है जो मैं करीब करीब कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ और इस टेम्पर ग्लास को यूज करने के बाद मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली है जो कि स्पेशली गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो अगर आप एक गेमर्स हो और मैक्सिमम टाइम आप गेमिंग वगैरह करते हो तो इस टेम्पर ग्लास को आप यूज करना, अदरवाइज आप एक नॉर्मल गेम यूजर्स हो तो इस टेम्पर ग्लास को गलती से भी यूज मत करना, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है क्योंकि इसे अप्लाई करने के बाद आपके स्क्रीन के ऊपर कई सारे डॉट डॉट नजर आएंगे, थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे कहो भाई यूज करने का फायदा क्या है गेमिंग के लिए, तो गेमिंग के टाइम पे जब हाथ पे जो स्वेट आते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से आपका जो टच रिस्पॉन्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा और टेम्पर ग्लास से कभी फील नहीं होगा कि आपके गेमिंग में कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पे टच काफ़ी बेहतरीन रहता है और स्वेट ना आने की वजह से आपको काफ़ी अच्छा खासा यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और स्पेशली ये सिर्फ और गेमर्स के लिए ही बनाया जाता है। तो आप गेमिंग ज़्यादा करते हो तभी आप इसे अपने मी 11X के लिए बाई करना। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है और कहीं पर भी कोई भी बबल्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही ये एज वगैरह को कवर करता है, तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो कैमरा है इसका भी कटआउट यहाँ पे दिया हुआ रहता है तो आपको कैमरे क्वालिटी में भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तो इसे फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ और ये नॉर्मल वाला मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। और आप एक नॉर्मल यूजर्स हो तो आपको यही बाई करना चाहिए, ना कि मैट वाला बाई करना चाहिए। यहाँ पे मैंने वॉलपेपर को चेंज कर दिया है व्हाइट कलर का ताकि जब भी मैं टेम्पर ग्लास अप्लाई करूँ तो डिस्टर्बेंस ना आए एज को लेके। अब मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि मैं एक नॉर्मल यूजर्स हूँ, अदरवाइज मैं इसे मैट वाले को ही लॉन्ग टाइम तक यूज करने वाला था। बट आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लर टाइप का देखने को मिल रहा है जिससे डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है, लेकिन गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका वो अप्लाई करेंगे, उससे पहले हम क्लीन करेंगे डिस्प्ले को 1 और 2 रैपर का यूज करते हुए। तो सबसे पहले 1 को बाहर निकालेंगे और क्लीन कर लेते हैं। क्लीन हो चुका है, अब बारी है टेम्पर ग्लास को अप्लाई करने की। और जब भी आप क्लीन करो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना कि कहीं पे कोई डस्ट वगैरह है नहीं ना, अगर डस्ट आ जाता है तो आपका जो टेम्पर ग्लास है उसके बीच में बबल्स देखने को मिलेंगे
और आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही बेकार सा हो जाएगा। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। आपको बस रख देना है सब कुछ एज को अच्छे तरीके से देख के और कैमरे के मैचिंग देख के, क्योंकि कैमरे का कटआउट इधर से उधर होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, सेल्फी वगैरह में प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ हो चुका है, बट कहीं कहीं पे हमें बबल्स देखने को मिल रहा है। तो बबल्स हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना है और बबल्स को बाहर की ओर निकाल देना है पुल करके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये बीच में है तो इसे भी निकालेंगे प्रेस करते हुए। अगर कुछ ज़्यादा हो ना निकले तो आप हल्का सा ऊपर करो उसके बाद। अब यहाँ पे ये प्रॉपर अप्लाई हो चुका है और कहीं पे भी कोई बबल्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। और इसमें आप देख सकते हो कि जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल टाइप का देखने को मिल रहा है, कोई भी कलर वगैरह में चेंज नहीं है, जैसा कि हमें मैट टेम्पर के साथ देखने को मिल रहा था। इसलिए मैंने कहा कि मैट यूज करना है, अगर आप गेमर्स हो तभी यूज करना, अदरवाइज आप नॉर्मल को ही यूज करना। आप देख सकते हो डिस्प्ले की क्वालिटी में किस तरीके से फर्क दिखाई दे रहा है। तो गेमर्स तो ये और नॉर्मल्स तो ये, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी सही रहता है, स्मूथनेस काफ़ी अच्छा खासा है और कहीं पे भी इसने एज को कवर नहीं कर रखा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा कि ज़्यादा ये एज पे कवर नहीं करता है, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला। लेकिन हल्का फुल्का तो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा क्योंकि कलर रहते हैं, तो 100% अप्लाई करते समय एक्यूरेट हो जाए ये पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से आपको कहीं कहीं पे एजेज पे दिखाई देगा कि हमारा जो मेन डिस्प्ले उसे कवर कर रहा है, बट ये आपके अप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि टेम्पर ग्लास के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो बैक कवर है, एक स्मोक बैक कवर है और एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर है। अब ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारा स्मार्टफोन है, इसके साथ अगर हम स्मोक बैक कवर को यूज करते हैं तो इसका जो लुक है, जो इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक छिप जाता है और एक नॉर्मल से फ़ोन तरीके से दिखाई देता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे इस फ़ोन के साथ स्पेशली ये कवर उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है जितना कि मुझे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है जो पसंद आया है। जैसा कि ये अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ इस फ़ोन के ऊपर तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसका लुक है जो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और अलग अलग लाइट के साथ यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट भी ये देता है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगा। दोनों सेम ही है, बस पीछे का ये ट्रांसपेरेंट है डार्क में और ये मैट फिनिशिंग के साथ आता है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जितने भी कैमरे के कटआउट है ना, इसमें थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगा मैक्रो वगैरह को और अल्ट्रा वाइड को यूज करने में, क्योंकि आपको कैमरा से कवर को हटाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करूँ कैमरे को ओपन करने के बाद सभी लेंसेज वगैरह को, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेन कैमरा ठीक है, ओके है। अगर मैं यहाँ 0.6 पे जाता हूँ तो ये भी सही है, और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ 2x पे तो ये भी सही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर मैक्रो पे शूट कर दूँ, टैप कर दूँ, तो ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे कोई भी कटआउट मुझे देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हो सारे लेंसेज में यूज कर पा रहा हूँ, कहीं पे भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं वो स्मोक यूज कर रहा था जो कि ये रहा, तो मुझे यहाँ पे हल्का सा कट देखने को मिल रहा था, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ इसे भी अप्लाई करने के बाद कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी अप्लाई करते ही 0.6 के ऊपर यहाँ कॉर्नर पे कट हो जा रहा है और 1x पे कोई कट नहीं है, 2x पे कोई कट नहीं है, और अगर हम यहाँ पे आते हैं मैक्रो के ऊपर तो कोई भी कट नहीं है, सिर्फ 0.66 पे है जो अल्ट्रा वाइड वहाँ पे कट हो रहा है, जबकि इस केस के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये बिल्कुल ही सॉलिड केस निकल के आता है जो कि आपको बाई करना चाहिए अगर आप अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे इसका जो लुक है ना वो भी ज़रा सा भी नहीं छिपता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक मेरे पास आया है सेल्फी स्टिक जो कि warika.com से ही हमें प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आपके पास कोई नॉर्मल फ़ोन है या आप सेल्फी वगैरह ज़्यादा क्लिक करते हो तो इसे भी आप चाहो तो बाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के देखने को मिल जाता है। और इसे कैसे यूज करना है तो आपको पता ही होगा, तो फालतू का वीडियो लंबा करने का क्या फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेस्ट एसेसरीज के साथ साथ यहाँ पे कुछ अच्छे खासे गिफ्ट भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके काफ़ी काम आने वाले हैं और आपके फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और सेफ भी रखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय।